जहां सदन में अधीर रंजन के बयान पर बवाल देखने को मिला। बवाल के बाद अधीर रंजन ने माफी भी मांगी है। बता दें कि अधीर रंजन ने सफाई देते हुए कहा कि एक चूक को बीजेपी मुद्दा बना रही है। और आपको बता दें कि अधीर रंजन से राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा था अधीर रंजन ने, जिसके बाद सोनिया गांधी ने यह कहा कि अधीर रंजन ने माफी मांग ली है। बता दें कि आज लोकसभा में कार्यवाही के दौरान स्मृति ईरानी ने संसद में माफी की मांग कही थी, मांग रखी थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि स्मृति ईरानी ने यह भी कहा था कि सोनिया गांधी देश से माफी मांगे, आदिवासी वर्ग से माफी मांगे। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की। तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना नेता सदन द्वारा, अध्यक्ष महोदय, मूल्य विहीन, संस्कार विहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कल भी ये न हो बताई, कल भी मैंने ये कहा कि राष्ट्रपति जी भवन जाना है और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके, मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं, आप इसको इसको तवज्जो दिया करो। क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति वहां ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे जो भी हो, वो हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति। मैम विल यू आस्क, मैम विल यू आस्क अधीर दा टू अपोलोजाइज, मैम विल यू आस्क अधीर दा टू अपोलोजाइज, ही हैज ऑलरेडी अपोलोजाइज। जिस प्रकार से अधीर रंजन चौधरी जी ने महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान किया, उसको लेके पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश में उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो शुरू से हमारे जनजातीय समाज, हमारे आदिवासियों का बार बार अपमान करती रही है, उस कांग्रेस पार्टी का जो मानसिक सोच है दर्शाता है कांग्रेस की सोच आदिवासी और जनजातीय समाज के लिए कितनी ओछी है। और जो कल उन्होंने जिस प्रकार से भद्दे तरीके से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान किया, जिस प्रकार से उन्होंने एक हम तो रिपीट भी नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार से पहले राष्ट्रपति कहने के बाद डेलिबरेटली अपमानित करने की कोशिश की, मैं समझता हूं ये हर देशवासी के ऊपर, समाज के हर वर्ग के ऊपर और खास तौर पे हमारे जनजातीय समाज, हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए इतना बड़ा अपमान ये देश कभी सहन नहीं कर सकता। एक घोर अपमान है आदिवासी देश का, आदिवासी का, और बेटी को बहुत बड़ा अपमान है, राष्ट्रपति का अपमान है, राष्ट्र अपमान।
अपमान है जिनको ऐसे अधीर रंजन को जिन्होंने अपॉइंट किया वो माफी मांगना चाहिए, सोनिया गांधी जी माफी मांगना चाहिए। इधर भोपाल में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन की टिप्पणी पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठी हुई है, राजभवन तक बीजेपी ने मार्च भी निकाला और आप देख सकते हैं हाथ में तख्तियां लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, तमाम बीजेपी के नेता कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं। तो अधीर रंजन ने जिस तरह से बयान दिया, जिस तरह से एक टिप्पणी उन्होंने देश की राष्ट्रपति के लिए कही है, उसके बाद देखिए अब बवाल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अधीर रंजन चौधरी को लेकर निकली है सड़क पर, आप देखिएगा तमाम बीजेपी के लीडर्स इस समय नजर आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा है, सुमित पचौरी है, या हम देखें तो तमाम भारी तादाद में महिलाएं यहां नजर आ रही है। आप देखिएगा पीछे की तरफ भी आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ मैं दिखाना चाहूंगा कि बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स नेता शामिल हुए हैं और सीधे तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से विरोध किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। और तो आप देखिएगा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा इस समय निकले हैं, सर क्या कहेंगे, किस बात को लेकर विरोध है? ये जो मार्च आज हम कर रहे हैं गांधी जी की प्रतिमा से हमने शुरू किया है, आज इस देश के अंदर सर्वोच्च पद संवैधानिक पद का अपमान किया अधीर रंजन चौधरी ने, कांग्रेस के नेता ने सोनिया गांधी के इशारे पर किया है। और इसी प्रकार से आज हम देख रहे हैं महिला सशक्तिकरण का, महिलाओं का अपमान किया है, देश के अंदर जनजाति समाज का अपमान किया है। तो अधीर रंजन चौधरी की संसद की सदस्यता समाप्त और सोनिया गांधी देश से माफी मांग। आप कह रहे थे अपराधी अधीर रंजन चौधरी, अपराधी अपराधी अपराधी, छोटा अपराध नहीं, बड़ा अपराध किया देश के संवैधानिक पद पर जिस प्रकार से अपमान किया, बड़ा अपराध है देश के अंदर। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देंगे, भारत के लोकतंत्र में इतनी अभद्र भाषा की टिप्पणी का उपयोग कभी नहीं किया जो अधीर रंजन चौधरी ने किया है, इसलिए माफी भी मांगनी होगी और सदस्यता भी बरकरार होगी। दूसरी तरफ हम कहेंगे तो पूरा देश आक्रोशित है, देखिएगा एक लगातार विरोध आ रहा है और विरोध के बाद कांग्रेस में सोनिया, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा, संविधान का मजाक उड़ाया है अधीर रंजन चौधरी ने और ये कांग्रेस की संस्कृति है महिला को और आदिवासी को अपमान करना। तमाम लीडर्स इस वक्त देखिएगा नारेबाजी कर रहे हैं और तमाम महिलाओं को आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं और अधीर रंजन चौधरी को अपराधी बता रहे हैं, साथ ही सोनिया गांधी से माफी मांगने की अपील कर रहे हैं। भरत बुंदेला के साथ मनोज सैनी, मनसनी, भोपाल। इधर भोपाल में अधीर रंजन के बयान पर बवाल लगातार जारी है, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के बयान पर अब मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी बयान दिया है। बीजेपी प्रदेश भर में सड़क पर है, जब तक कांग्रेस माफी नहीं मांगती तब तक बीजेपी प्रदर्शन करेगी। अधीर रंजन ने राष्ट्रपति पद और जनजातीय वर्ग का अपमान किया है, ये बात भूपेंद्र सिंह ने कही। साथ ही कहा कि जनपद चुनाव में जो दावा कर रहे हैं उसकी सूची वे जारी करेंगे। तो देखिए दो विषयों पर उन्होंने बयान दिया है, उनका कहना है कि बीजेपी प्रदेश भर में सड़क पर तब तक रहेगी जब तक कांग्रेस माफी नहीं मांग लेती।